एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा यह सच है कि कमलनाथ जी ने बहुत आदेश निकाले, लेकिन ट्रांसफर उद्योग को छोड़कर उनका एक भी आदेश अमल में नहीं आया। मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को झूठ बोलने की मशीन बताया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निशाने पर कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। मिश्रा ने कहा कोई एक किसान बता दे जिसका 2 लाख का कर्ज माफ हुआ हो, कोई एक बेरोजगार को बता दो जिसे बेरोजगारी भत्ता दिया गया हो, मैं आपका अभिनंदन करूंगा। यदि आपको झूठ बोलने और भ्रम भय फैलाने की मशीन देखना हो तो कमलनाथ जी के बयान देख लीजिए। कमलनाथ के आदेश केवल फाइलों तक सीमित थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश जनता तक सीमित रहते हैं। झूठ बोलने की मशीन देखना हो तो माननीय कमलनाथ जी के बयान सुन लो, भ्रम और भय फैलाने की मशीन देखना हो तो माननीय कमलनाथ जी के बयान देख लो। मैंने आज उनका बयान देखा कि आयुष्मान योजना के आदेश मैंने दिए थे, एक हाथ पेशेंट भी बगल में बिठा लेते जिसका इलाज आपके आदेश के बाद हो पाया। इतना अव्यवहारिक आदेश कि एक व्यक्ति का इलाज नहीं करा पाए जी, पर आदेश मैंने दिया था। सच है कमलनाथ जी, आपने बहुत आदेश निकाले पर अमल में एक भी नहीं आया, सिर्फ ट्रांसफर उद्योग को छोड़ के 10 दिन में 2 लाख रुपया किसान का माफ कर देंगे। एक किसान को बगल में बैठ के एक हाथ पत्रकार वार्ता कर लूँ मैं तो आपका मीडिया के सामने अभिनंदन करूँगा, आप खुद अपने बगल में बिठा लूँ किसी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने का, एक हाथ तो नौजवान को बिठा लो। आदेश तो आपने बहुत सारे जारी किए लेकिन सिर्फ ट्रांसफर कमीशन के आदेशों को छोड़ के एक भी इंप्लीमेंट में नहीं आया। शिवराज जी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं माना, वो हमेशा कहते थे कि ये मध्य प्रदेश की 7.5 मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, 7.5 करोड़ जनता मेरी भगवान है और इसका पुजारी शिवराज सिंह चौहान। हमने कमलनाथ जी साल भर पहले ही प्राइवेट अस्पताल ले लिए थे गरीबों के लिए, निःशुल्क थे ये, चिरायु निःशुल्क था ये, अरविंदो निःशुल्क था, वो इंडेक्स निःशुल्क था, वो अमलता जेके सब निःशुल्क थे। आपकी जानकारी आपको देने वाले ठीक नहीं दे रहे। आज जो आयुष्मान योजना लागू की है ना वो पूरी परिवर्तित है, जरा दोनों को मिला तो लो 40% अधिक राशि है इसमें शामिल। आयुष्मान योजना आपने लागू नहीं थी, केंद्र सरकार माननीय मोदी जी ने लागू चुकी थी, 60-40 का रेशियो था, लेकिन आपने इतनी अव्यवहारिक की कि एक का भी इलाज नहीं हुआ। और इसमें माननीय शिवराज सिंह जी ने कल कहा और आज अमल में आ गया, ये सरकार होती और ये काम होते। आपने आदेश निकाला वो कभी अमल में नहीं आया, आज फिर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे, भ्रम के माध्यम से फिर भय फैलाने की कोशिश कर रहे। ऐसे ही आप और आपके नेताओं ने, दिल्ली वालों ने टीका पर भ्रम फैलाया, ऐसे ही आपके नेताओं ने कहा मोदी जी ने टीका क्यों नहीं लगवाया, ऐसे ही आप और आपके नेता हमेशा भ्रम फैलाते रहते हैं। माननीय शिवराज सिंह जी के इसमें सीटी स्कैन फ्री है, इसमें वेंटिलेटर फ्री है, आईसीयू फ्री है और 90% लोग है इसमें शामिल। एक कार्ड है तो घर में अगर 19 लोग हैं तो पूरे 19 शामिल हैं उसमें, 90% आबादी इसमें शामिल हो गई है। आप कह रहे हैं सबके लिए निकाला था, आपके आदेश सिर्फ फाइलों तक सीमित थे और माननीय शिवराज सिंह जी के आदेश जनता तक सीमित रहते। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी का एक बयान आया है कि आयुष्मान योजना के संबंध में आदेश उन्होंने दिए थे, ये कैसा आदेश था जिसमें एक व्यक्ति को इलाज नहीं मिला। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कभी अपने आप को भगवान नहीं माना, वो हमेशा कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, 7.5 करोड़ जनता भगवान है और शिवराज इनका पुजारी है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ आपकी जानकारी अधूरी है, आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने लागू की थी जिसमें 40-60% राशि का अनुपात था। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि एक बार फिर कमलनाथ प्रदेश में भ्रम के माध्यम से भय फैलाने का काम कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।